पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो मैं समाज में जिस वजह से लोग जानते हैं ना, उसका कारण सिर्फ मेरा नाम है, और आज से हमारे तुम्हारे बीच में वो नाम का रिश्ता भी खत्म। जब तुम पर लोग ताने कसते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि पलटकर उनका जवाब दिया जाए, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और जब तुम अपना मुकाम हासिल कर लो, यही उन लोगों के लिए जवाब होगा। अब तो नहीं, जरा खड़े होइए, हम देखते हैं ये आपको आता है कि नहीं। उठिए, देखिए तो। हाँ, जरा मुड़िए। डाउन में जोन हो रहा है ना, सबके सामने में है, खाली सब अपना आंख में पट्टी बांध। अरिशन क्या हो गया रामबल से? उस सुबेदार जोन कांड कर रहा है ना, हम लोग अपने आने वाले पुश्तों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये बात तुम कैसे कह रहे हो? अरे ये बात तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं, जब हम प्रूफ रखते हैं ना तब बात करते हैं। सुनो शिवा बेटा, अब गोकुल के यहां शहद निकल रहा था, हम वही थे। शहद निकला, गोकुल लिया और लेकर के दिया किसको? सुबेदार को। सुबेदार क्या किया, उस शहद लेकर के चला गया सीधे कमली मौजी के यहां। एगो विधवा के धर्म और सम्मान को तार तार करके रख दिया ये सुबेदार। ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। पंचायत में आवाज उठाना पड़ेगा आप लोगों को। काम भी था, बोलो। लेकिन हम तो कहेंगे कि इसके खिलाफ ना पंचायत में आवाज तो उठना ही चाहिए। देखो भाई, हर एक आदमी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, और ये कोई जरूरी नहीं कि जो तुम लोग सोच रहे हो वो सुबेदार और कमली भोजी के बीच में हो। हो सकता है कि सुबेदार कमली भोजी को एक अच्छे इंसान के रूप में मदद कर रहा हो, लेकिन एक बात कान खोलकर तुम दोनों सुन लो, इस मामले में हम तुम लोगों के साथ नहीं हैं। बात सही हो या गलत, लेकिन अगर पंचायत में नाम उछलेगा तो वो बेसहारा औरत की बदनामी होगी, और मनसुख के दोस्त होने के नाते हम यही चाहेंगे कि भोजी का सम्मान बरकरार रहे। बाकी तुम लोगों का जो मर्जी है वो करो। बड़का आदर्शवादी बन रहा है शिवा बेटा, अब किसी तरह बस सुबेदार को अध्यक्ष के पद से हटाना है। कहे कि हमको ना उसके नीचे काम करना एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारे भी दिमाग में जो चल रहा है ना चाचा, सुबेदार उसमें काटा है, और ऐसे ही गांव में बना रहा ना तो मेरा भी काम आसान नहीं होगा। तो अब क्या सोच रहे हो शिवा बेटा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस सुबेदार का गला का हड्डी बन गया है फौजी, इसको निकालना पड़ेगा।
कोने कोने में अच्छे से सफाई करना, कहीं गंदगी छूट ना जाए। जी माँ, मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। दवाई के लिए कुछ समझ में नहीं आता, सब एक जैसी दिख रही है। अरे तनिक, यहाँ के दवाई हमको दोगी का? ये हम खा ले हमारा जो मन करे। अरे नहीं नहीं माँ, कोई भी दवा मत खा लीजिएगा। डॉक्टर ने जो दवा बोली है खाने के लिए वो उसी समय खाना, नहीं तो दवा गलत असर करती है और बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ जाती है। बहुत जिद्दी मेरा रोए, इतना दर्द है पैर में, कमजोरी भी है, लेकिन दिखाने के लिए सब काम जबरदस्ती करना है बस। ये वाली दवा है, इसे खा लीजिए। पहले बैठो। माँ मैं पानी लेकर आती हूँ ना। अरे पहले बैठो, बताया ना। माँ लीजिए ना, मैं पानी। अरे लेते हैं पानी भी हम लेके रखे हैं। बैठो, अभी उसकी चिंता मत करो। अब ये बताओ तुहार दवाई कहाँ है? वो माँ मैं साफ सफाई कर लूँ बाद में खा लूंगी, कमरे में ही रखी है। अच्छा ठीक है, हमने कल तुम्हारे लिए छोहरा भिगा के रखे थे और बोले थे सवेरे मुनक्का के साथ खा लियो। क्या हुआ, खाया कि भूला गई? वो माँ मैं भूल गई, घर का इतना काम पड़ा हुआ है। एक काम करो बोलना, काम का इतना ही शौक है ना, तो बोल दो, दो चार घर के और काम करवा देते हैं तुमसे। नहीं माँ वो बस। बहुरिया बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे बस, और झूठ तो तुम सट सट बोलती हो। एक बात बताओ बेटा, अगर हम समय पर दवा खाएंगे तब ठीक हो जाए, लेकिन तुम जब अपनी मर्जी करे तब दवा खाओगी तो वो दवाई बढ़िया असर करेगी, ऐसा कोनो वरदान मिलाएगा तुमको? नहीं माँ वो मैं बस भूल गई। हाँ। अभी अभी खा लूंगी। भुलक कर तो तुम पहले से ही हो, सारी याद रखने की जो जिम्मेदारी है ना उसका ठेका तो हमने ले रखा है ना। अब जाओ दवाई लेके आओ और हमारे सामने खाओ, और एक बात ध्यान से सुन लो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने लड़कन बच्चन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब जो भी हो वो तो इस घर की बहू ना, अरे इस घर का हिस्सा हो, ठीक से अगर खाओगी पियोगी नहीं ना तो जाके सीधा पटक देंगे तुम्हारे मायके, कह देते हैं। हमको ऐसी बहुरिया नहीं चाहिए जिसको अपने स्वास्थ्य का कोनो फिकर ही ना हो। अब बैठी रहोगी का, जाके दवाई लेके आओ ना और हमारे सामने बैठ के खाओ, जाओ। अरे उन्होंने तो बड़ी आसानी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया, लेकिन मेरा रिश्ता तो इस घर के सभी लोगों से है। अब मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, कुछ बनूंगी और अपने इस परिवार का नाम रोशन करूंगी। मेरा मन आज इतना क्यों घबरा रहा है, और ये कांच का टूटना भी कितना अपशगुन होता है। किसके रोके रुका है सवेरा? गांव
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। वैसे भैया मुझे भी अपनी नई पहचान बनानी है और मैं गांव में रहके कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बेटा कुछ बन करके ही गांव में आना, काहे से कि तुम गांव वाले को जानते हो ना, अगर कुछ नहीं बने तो समझ सकते हो कुछ भी कह देंगे। और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे धीरज भैया की बड़ी बेइज्जती होगी। जा रहे हैं चाचा तो कुछ करके वापस आएंगे। जब मैं गाँव वापस आऊंगा ना तो अपने गाँव के सारे लोग ना सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि देखो सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेने से काबिलियत नहीं आती है, ना तो आपने कोई पढ़ाई की है और ना आपके पास कोई हुनर है। तुम्हारे से ख्याली दुनिया में जीने वालों को ना मैं अपने ऑफिस में चपरासी की नौकरी पर भी नहीं रखूंगा, समझे तुम? अब चुपचाप जाते हो कि बुलाओ मैं? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग। क्यों घबरा? और ये कांच का टूटना भी कितना अपशगुन होता है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, आज का तो दिन ही खराब है। तुम एक काम करो मुझे यहीं पे छोड़ दो, हम दूसरा रिक्शा ले लेंगे। और ये बात मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक दिन अब भाभी जी का नाम इतना बड़ा हो जाएगा ना तुम उनके नाम से जाने जाओगे सूरज। कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, मेरा मन कह रहा है, लेकिन उन्होंने तो मुझसे अपने सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। क्या उनके बोल देने से पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी तांगनी हूं। मैं उनके बिना अधूरी हूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक बार फोन करके देखूं क्या? मेरा फोन ही नहीं उठा रहे।
किया करना, या जहां भी हो अच्छे हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो माता रानी। सूरज का फोन। तुम्हें समाज में जिस वजह से लोग जानते हैं ना, उसका कारण सिर्फ मेरा नाम है। और आज से हमारे तुम्हारे बीच में वो नाम का रिश्ता भी खत्म। सूरज, 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 होश में आओ। भाभी का फोन। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, अपना सूरज एकदम ठीक है। भैया, ये कहाँ पर है, एक बार इनसे बात करा दीजिए। अब देखिए ना, वो मोबाइल छोड़ कर चला गया है। चलिए, कम से कम इसी बहाने आपसे बात करने का मौका मिल गया। कैसी हैं आप भौजी? ठीक है भैया, बस जब भी समय मिले तो एक बार इनसे मेरी बात करा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ही सूरज आएगा मैं बोलूंगा कि आपसे बात करें। जी भैया। घर से और गांव से फोन आता है तो डर लगता है, डर लगता है कि ना जाने कौन सा सवाल मेरे ऊपर दाग देंगे, क्या बोलूंगा मैं। ऊपर से वो आशा, मैं जानता हूँ कि उसके अंदर काबिलियत मेरे से ज्यादा है। अगर उसे थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए ना तो वो बहुत आगे निकल जाएगी। जब तुम जानते हो कि भौजी के अंदर इतनी काबिलियत है, तुमका साथ देने के बजाय तुमका मनोबल क्यों गिराते रहते हो? क्या करूं, गांव के समाज के लोग कहते हैं, देखो देखो वो जा रहा आशा का पति, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर। मतलब खुद की काबिलियत साबित नहीं कर पाए तो दूसरों का मनोबल गिरा दोगे, और जब उसका मनोबल नहीं गिरा पाए तो पैरों वाला काम करोगे। धिक्कार है तुम पे, शर्माते तुमको दोस्त कहते हुए। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। का भाई, जान देने का इतना ही शौक है ना, तो बढ़िया बिस्तर बांधो और गांव चले जाओ अपने। हमारे कपार पे विपदा मत बांधो तुम। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने दोस्त के शरीर को कांधा दे सके। क्या हुआ, कान में तेल डाल के बैठे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुमको? और जिसको तुम अपनी पत्नी मानने से मना कर रहे हो ना, देख लिया इतनी दूर बैठी हुई है और जरा सा तुम पे विपदा आया तो कितनी परेशान हो गई हो, कि तुम अभी भी उनको अपनी पत्नी नहीं मानोगे? या बोलो गलत रिश्ता हो गया, कोई संबंध ही तुम्हारे साथ उनका? जान देने के लिए। हाँ तो क्या करें, हम क्या करें तुम बताओ? अरे हमारा जीना मरना सब एक जैसा हो चुका है, जिसको देखो सबको हमारे अंदर ही गलतियां दिखती हैं, और तुम भी तो हम पे बार 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 ताना कसते रहते हो। अरे नहीं लगा पढ़ाई मन मेरा, नहीं थी मेरे अंदर इतनी बुद्धि की दीवत भैया की जैसे मैं पढ़ाई कर पाता, छोड़ दी मैंने पढ़ाई। गांव में सोचे थे बस यही जिंदगी है, लेकिन जब तुम शहर से गांव आए, तुम्हारी चकाचौंध देखी तो हमने भी सोचा कि चलो शहर चलते हैं, बड़े आदमी बनते हैं। अरे तुमको पता है, बताया ना तुमको मैंने, किस मजबूरी में जाके गांव में दिखावा करता था मैं? हाँ तो मैंने तो उसको फच मान लिया था ना, तो क्या करूं मैं? अब यहां अगर पता चला कि यहां पर शहर में असल जिंदगी है क्या, अरे एक एक दिन घुट घुट कर जीता हूं मैं यहां पर। मेरी माँ को उम्मीद है मुझसे कि मैं शहर में बड़ा आदमी बनूंगा तो उसे शहर बुला लूंगा, उसका सपना है शहर आने का। अरे सीना ठोक कर आए थे यहां पर, और क्या कर रहे हैं यहां पर?
अरे घर से और गांव से फोन आता है तो डर लगता है, डर लगता है कि ना जाने कौन सा सवाल मेरे ऊपर ताक देंगे, क्या बोलूंगा मैं। ऊपर से वो आशा, अरे मैं जानता हूँ कि उसके अंदर काबिलियत मेरे से ज्यादा है। अगर उसे थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए ना तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। जब तुम जानते हो कि भौजी के अंदर इतनी काबिलियत है, तुमका साथ देने के बजाय तुमका मनोबल क्यों गिराते रहते हो? तो क्या करूं मैं, क्या करूं? गांव के समाज के लोग कहते हैं, देखो देखो वो जा रहा आशा का पति, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर। वाह भाई वाह, मतलब खुद की काबिलियत साबित नहीं कर पाए तो दूसरों का मनोबल गिरा दोगे, और जब उसका मनोबल नहीं गिरा पाए तो पैरों वाला काम करोगे। धिक्कार है तुम पे, शर्माते तुमको दोस्त कहते हुए। शुक्र मनाओ किसी दोस्ती के नाम पर चुप हो जाता हूँ मैं। अरे तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो, तुम दोस्ती के नाम पे चुप नहीं हो क्योंकि तुमको पता है कि तुम गलत हो, और अपनी गलती को सही साबित नहीं कर पाते हो ना तब तुम चुप होते हो। अरे बड़े फख्र से कहता था कि तुम मेरा दोस्त हो, लेकिन जो तुमने कैरो वाला काम किया है ना, अभी तुम्हारे दिमाग में मवाद भरा हुआ है। शर्माते तुमको दोस्त कहते हुए, धिक्कार है, कायर हो तुम। आज से न मैं तुमको जानता हूँ न तुम मुझको जानते हो। रहो जैसे तुमको रहना खेले। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जहां रहे सलामत रहे, सुखी रहे, खुश रहे, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। फोन नहीं आया अभी तक। चंदन भैया ने तो बोला था कि वो बात करा देंगे, एक बार इनकी आवाज सुन लेती तो दिल को तसल्ली मिल जाती, सुकून मिल जाता। अरे बहुरिया, ओ भगवान, भगवान जी, पानी पिलाए दे बेटा। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। सत्संग में चले गए थे, बताए बड़ी बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे, कह रहे थे कि अपना लल्ला गोपाल कृष्णा, उसको यशोदा मैया बहुत प्यार करती थी, और रुक्मणी पत्नी के रूप में वो भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अगर वो दोनों अपने प्रेम के खातिर अगर भगवान कृष्ण को बंद रखती, कुछ हो जाएगा वो सोच के घर के बाहर जाने नहीं देती, तब का कृष्ण भगवान कुछ कर पातेगा? अपने सूरज की तरक्की हो गई है। बस हम तो इतना चाहते हैं कि शहर में अपना खुद का एक घर ले ले। मैंने तुमको जो कुछ भी कहा ना, मैंने तुम बातों को कब का भुला दिया है। लेकिन मैं नहीं भूला उन सब बातों, और अब मैं यहाँ नहीं रह सकता।
सूरज। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का।